यात्री बंधु कृपया ध्यान दें, एक नंबर आते समझ एक्सप्रेस जो बरौनी से चलकर बांद्रा तक जाती है, और एक नंबर आते समझ एक्सप्रेस का एसी बोगी आगे की तरफ से है और स्लीपर बोगी पीछे साइड है। हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है परवेज आर के ब्लॉग में। आज हम लोग आए हैं बिहार बेतिया जिला स्टेशन पे और काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत स्टेशन है और इस स्टेशन का मैं व्यू दिखाना चाहूँगा और इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये बाइक स्टैंड है। आप यहाँ बाइक लगाकर आप स्टेशन पर जा सकते हैं और इसका तकरीबन फीस है 15-20 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि सुरक्षा के लिए बनाया गया यहाँ बाइक स्टैंड है। आप लोग देख सकते हैं और कहीं भी आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ पूरा टेम्पो लगाया गया है, रिक्शा भी लगाया गया है। तो फाइनली मैं चल रहा हूँ, आप लोगों को अंदर से व्यू दिखाना चाहूँगा। फाइनली आप लोगों को मैं अंदर का व्यू दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत व्यू है। ये देख सकते हैं टिकट काउंटर है यहाँ पर। और फाइनली आप लोग देख सकते हैं यही रोड है जाने के लिए, मेन रोड से कट के अंदर आने के लिए रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है सब ये पूरा रिक्शा लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा रिक्शा लगाया गया है, आप यहां से रिक्शा करके कहीं भी जा सकते हैं रिजर्व करके। यहां पूरा रिक्शा लगाया गया है, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत स्टेशन है। तो फाइनली मैं अंदर जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पहला गेट है, ये यहाँ से भी आप जा सकते हैं और दूसरा गेट वहाँ से भी है, क्योंकि वहाँ से अंदर से गाड़ी लेके जा सकते हैं आप। देख सकते हैं और ये जो है मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर गाड़ी ले सकते हैं। और ये जो है ये बाहर का सीन है, आप लोग देख सकते हैं यही है बिहार बेतिया जिला का स्टेशन, बेतिया स्टेशन आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ और जस्ट अगर आप स्टेशन से अगर बाहर निकलते हैं तो मेन रोड के साइड काफी बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत होटल भी है। आप 5 मिनट चलेंगे तो मेन रोड को बाजू में सब होटलें भी है, ठहरने के लिए खाना खाने के लिए काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत होटल भी है। आप लोग देख सकते पूरा रह गए। तो फाइनली मैं आप सभी को अंदर का व्यू दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत अंदर का व्यू है। ये जो है ये भी मेन गेट है और एक वो साइड बनाया गया है, दो गेट है इसका अंदर जाने के लिए। ये जो है टिकट काउंटर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट भी मिलता है और जाने के लिए टिकट भी मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। ऑटोमेटिक टिकट मशीन का भी यहां पर व्यवस्था है बेतिया स्टेशन पे। और अभी हाल ही में गाड़ी आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं लोग चल रहे हैं गाड़ी पे। और फाइनली आप लोग दिखा सकते हैं हम लोग चल रहे गाड़ी पे। काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है, आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ जो है काफी बेहतरीन खूबसूरत बैठने का भी व्यवस्था भी किया गया। आप लोग देख सकते हैं पूरा ब्रेंच लगा हुआ है और ब्रेंच के हर ब्रेंच के सामने फैन भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है एक नंबर प्लेटफॉर्म है और दूसरा प्लेटफॉर्म वो साइड है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा छोटा लालू जादू है। क्या हाल है? और आप लोग देख सकते हैं यहाँ शीतल जल भी है और पानी का भी व्यवस्था है, ठंडा पानी का भी व्यवस्था है और नॉर्मल पानी का भी व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो एसी टिकट वाले आते हैं उसका स्पेशल रूम बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है मालगाड़ी है, अभी यहाँ पर ही आता है, रुकता है और खाली भी होता है, आप लोग देख सकते हैं पूरा ट्रक वहाँ लगा हुआ है। प्यास लग गया था तो पानी पी रहे। और ये जो है लड़के मेरे गांव के लड़के हैं, हम लोग साथ में ही आए हैं, इनका नाम है सहमद आलम और इस्तकार आलम है और मेरा नाम तो आप सभी जानते ही हैं लगभग। हम लोग अभी स्टेशन पे हैं और प्यास लग गया था तो हम लोग पानी पी रहे हैं। अभी हाल ही में भी ट्रेन आने वाली है। एक बोगी जनरल के बाद एसी बोगी है H1, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6। उसके बाद पैंट्री कार के बाद स्लीपर बोगी है S1 से लेकर S8 तक और एक बोगी जनरल पीछे है। तो फाइनली हम वीडियो दिखा चुके हैं बेतिया स्टेशन का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है परवेज आरके ब्लॉग।
फाइनली मैं बेतिया स्टेशन का पूरा मैं व्यू दिखा चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है परवेज आरके ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है परवेज आरके ब्लॉग में।